This is Shoaib and now you're watching Maximum Electronics. If you're not subscribed to our YouTube channel, then please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest update. तो जैसा कि आज हमारे पास ड्रिल मशीन है और कमेंट आया था भाइयों का कि रिवर्स फॉरवर्ड चाहिए रिवर्स फॉरवर्ड चाहिए, तो हमारे पास ये ड्रिल मशीन है। इसकी डिसेंबली का एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को, और उस वीडियो से मैं इंस्पायर हो गया। मैं बोला कि चलो आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। तो एक बंदे ने ये भी कमेंट किया है कि सर ड्रिल चक के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं बोला कि इसके बारे में बनाएंगे, लेकिन आज मेरे पास ये स्विच हाथ लगा और बिल्कुल मेरे को डिट्टो स्विच मिल गया, तो मैं बोला कि ये लगा लेता हूँ। स्विच में दिक्कत ये है कि जगह इसका आपका सेम बैठना चाहिए, तो कभी कभी कुछ लोगों के ड्रिल में नहीं बैठता, लेकिन मेरे इस लोकल ड्रिल मशीन लेने का ये एडवांटेज हो गया है कि ये जो आपका जो स्विच है वो मेरे इसके स्विच से बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, एक वो भी जगह का इसमें कोई वो नहीं है, एकदम बिल्कुल फिक्स बैठता है। ठीक है, तो अब आप भी अगर ड्रिल मशीन में ये रिवर्स फॉरवर्ड वाला स्विच लगाना चाहते हैं तो पहले आप अपने ड्रिल मशीन को खोल लीजिएगा और ये स्विच लेकर के जाइएगा। ये पूरा मशीन, मैं तो पूरा मशीन लेके गया था और उसके बाद इसे देख करके लाया हूँ, तो ये सेट हो गया। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। ये सारा ये जो नट है ये सब अपन ओपन कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ। तो सारे स्क्रू हमने निकाल लिए हैं और इसको कर लेते हैं ओपन। और ओपन तो इस तरीके से ये ओपन हो गया, देख लो। ठीक है, तो ओपन से आज अपने को काम नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो दो स्क्रू आ रहे हैं इसको भी अपन फटाक से कर लेते हैं रिमूव। तो चलिए स्क्रू भी रिमूव हो गया है और इसको मैं इस तरीके से साइड कर दिया। और ये देखिए, तो पहले आपको मैं थोड़ा स्विच के बारे में दिखा देता हूँ, देख लो है ना, एकदम साइज वगैरह सब चीज़ एकदम सेम है, देख लो। अब इसमें ये ऊपर में नहीं दिया था चेंज करने वाला, तो ये जो है इसमें चेंज करने के दिया, रिवर्स फॉरवर्ड इससे होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का हो गया। अब इसमें करना क्या है कि इसमें जो चार तारे होती हैं, तो इसमें चार तारे होती हैं, ठीक है, ये चार तारों को इंटरचेंज करते हैं इसको। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन का जो आर्मेचर के लिए जो वायर गई हुई है, ओके, जो कार्बन के लिए ये देखिए आर्मेचर के लिए कार्बन से होकर वायर गई है, तो कार्बन नंबर एक, कार्बन नंबर दो कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वायर, ये वाली जो कार्बन से गई है, और ये वाली वायर ये कार्बन, ये दोनों को यहाँ बीच से कट लगाना है और इसमें से वायर निकलेगा। तो ये एक को काटे तो अपन क्या हो गया, दो वायर हो गया, वैसे ही इसको काटे तो क्या हो गया, दो वायर हो गया। और दो वायर और दो वायर ओवरऑल चार वायर हैं, वो बाहर की ओर निकलेंगे और जो कि इस स्विच में कनेक्शन होंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए इसे काटेंगे और उसके बाद इसे वायर अपन तार की हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लो, सेम वैसे ही कटिंग यहाँ पर भी आपने करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हम तार लिए हुए हैं, तो ये तार मैं इसके साथ में जोड़ते हैं पहले, और उसके बाद फिर वीडियो आगे करते हैं। तो सबसे पहले वायर छीलना होगा हमको, तो ये वायर ऐसा छील लेते हैं, तो मैं पहले चारों वायर छील लेता हूँ। तो वायर हमारी इस तरीके से सारी वायर छील गई है और ये वायर भी हमने छील लिया है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो कार्बन से जो तारें निकल कर आ रही हैं, कार्बन से जो तारें निकल कर आ रही हैं उसमें मैं जोड़ रहा हूँ काले तार। ठीक है, और ये कॉइल से जो निकल कर आई हैं ये जो दो तारें, ठीक है, सॉरी इधर है वो वाली तार जिसे कट किया था, तो उसको लाल से जोड़ रहे हैं इधर हूँ। ठीक है, तो अब जोड़ते हैं। तो ये देख लो भाई, ये कॉइल की तार है, उसको मैं इस लाल तार से जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो लंबी वाली कौन सी है, ये इससे जोड़ रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे जो कार्बन वाली वायर है, तो कार्बन वाली वायर इस काले वाले तार से जोड़ ली, तो जोड़ लेते हैं। सिमिलरली मैं इधर इसमें जोड़ के दिखाता हूँ। तो अब जुड़ने के बाद देख लो भाई, ये देखो ये कार्बन की वायर है और ये कॉइल से आ रही है, और ये कार्बन की है और ये कॉइल से आ रही है, इतना हो गया। अब इसमें हम सोल्डरिंग आयरन के थ्रू रंगा चढ़ा लेते हैं, कोई हल्का काम नहीं करना है, हेवी क्वालिटी में काम करते हैं।
ठीक है, लूज रहेगा तो हमें को प्रॉब्लम है, तो इसे रंगा से अपन पहले इसमें रंगा चढ़ाते हैं। ओके, इसे हम पेस्ट लगा लेंगे, अब इसके बाद हम इसमें रंगा चढ़ाएंगे। तो आप इस तरीके से इसमें रंगा चढ़ा सकते हैं सोल्डरिंग आयरन के थ्रू। इसी तरह एक के बाद एक सभी वायरों में हम रंगा चढ़ाएंगे वायर सोल्डरिंग आयरन। तो इस तरीके से जो हमारी जॉइंट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और लूज़ कनेक्शन नहीं होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में। तो इस तरीके से हम रंगा वगैरह सब चढ़ा कर ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा जॉइंट हो चुका है। अब वायर की दूसरे साइड को हम सोल्डरिंग आयरन के थ्रू हार्ड कर लेंगे। इसमें भी एक बार रंगा चढ़ा लेंगे, इससे बहुत आसानी होगा हमको स्विच में इसे इंस्टॉल करने में वायर को। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे वायरों को हार्ड कर लेना है। अब स्विच में हम इसके कनेक्शन देखने वाले हैं, कनेक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो वायर को सोल्डरिंग करने से थोड़ा एडवांटेज हमको मिलेगा भी। ये आप करेंगे हम कनेक्शन, तो सिंपली आपको करना है क्या, ये वायर लिए और इसे हम करेंगे स्विच में इंसर्ट। देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये ब्लैक वाला वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सिंपली आपको इंसर्ट करना है, वायर हार्ड करने का आपको ये एडवांटेज मिलेगा। अब राइट हैंड साइड पर जो अपर साइड है यहाँ पे भी हम वायर को सिंपली इंसर्ट करेंगे। ये क्या है, वायर हम जैसे इंसर्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है वायर को। ठीक है, अब हमारे जो ये देखिए स्विच में इस तरीके से, अगर एक का ब्लैक नीचे है तो एक ब्लैक ऊपर लगेगा, वैसे ही अगर ये एक रेड हमने लेफ्ट वन में ऊपर लगाया है तो राइट वन में जो ये रेड होगी वो नीचे की ओर लगेगी। और इस तरीके से ये स्विच जो है क्या करता है वायरिंग में इंटरचेंज करता है चारों वायर के साथ में। अब इस तरीके से हम इन्हें वन बाय वन सारे कनेक्शन करने हैं। तो ये राइट वन का जो रेड वाला है लास्ट का, तो इसको हम धीरे से इंसर्ट करेंगे। ये उतने अच्छे तरीके से नहीं लगा, अब ये लग चुका है इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद लॉक हो चुका है। तो अब देखिए इस तरीके से सारे कनेक्शन प्रॉपरली एकदम मजबूती के साथ कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ऊपर में अपना जो स्विच है ना, जिसकी वायरिंग हमने की है, यही जो है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और नीचे का जो स्विच है जिसको हम प्रेस करते हैं वो एक नॉर्मल स्विच। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्विच में टर्मिनल्स देखेंगे तो आप दो ब्राउन कलर के और एक रेड और एक ब्लू वायर कनेक्ट है। तो इसमें एक होता है कि सिर्फ ऑन ऑफ के लिए ही स्विच कराना होता है, तो ये सीरीज़ में ये स्विच जो है काम करता है। तो पॉजिटिव में अपन स्विचिंग करते हैं और जो निगेटिव है वो शॉर्ट सर्किट रहता है। तो आप देखिए ये नीला वाला जो वायर आपका निकला है, ब्लू वाला, तो ये अपना टू पिन सॉकेट से जो आया था वो वायर है। ठीक है, तो अब इसको मैं सेम एज इट इज़ ही मैं अपने ये नए स्विच में इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो आप देखिए ये इंसर्ट करके मैंने इसे टाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपना स्क्रू ड्राइवर काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम दूसरे टर्मिनल की बात करेंगे। तो दूसरे टर्मिनल में आप देखें तो यहाँ पर आपका रेड वायर है और ये ब्राउन वायर है। तो ये ब्राउन वायर आपने सिंपल निकाल लेना है। तो इसी ब्राउन वायर और ये ब्लू जो अभी हमने इंसर्ट किया, तो ये दोनों के बीच से ही अपना स्विचिंग होता है। तो यहाँ पे आप इसको सेम वैसा ही स्टाइल जैसा हमने सोल्डरिंग आयरन से रंगा लगाया और रंगा लगा के इंसर्ट किया वायर हार्ड करके, सेम उसी तरीके से अपने को वही स्टाइल से अपने को ये फॉलो करना होगा। तो चलिए तो इसे अपन हार्ड कर लेते हैं। तो ये सोल्डरिंग आयरन से अपन इसे हार्ड करने के बाद इसमें इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू लगाने को नहीं दिया था तो इसी वजह से हम इसे हार्ड करके लगाएंगे। तो ये अपना इंसर्ट कर देते हैं इसे। तो सेम स्टाइल है ये स्टाइल, तो आप जान ही गए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो दो तारे बच रही हैं, एक रेड वायर और एक ब्राउन वायर, वो दोनों को आप शॉर्ट करके टेप मार सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे स्क्रू लगाने का नहीं दिया है, इसमें भी पुराने में दिया हुआ था, सोल्डरिंग करके इसे हम टेप कर देंगे और बाकी जो कनेक्शंस होंगे उन्हें भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो चलिए इसे सोल्डरिंग करते हैं। ये हमारा सोल्डरिंग हो रहा है।
सभी चीज़ों में सोल्डरिंग करने के बाद हमारा ये फाइनल व्यू आप देख सकते हैं। अब इसकी फाइनल टेपिंग करेंगे और ये आप देख सकते हैं टेप होने के बाद हमारा स्विच किस तरीके से दिख रहा है। अब इसकी असेंबली करेंगे और उसके बाद हम फाइनल इसका आपको रिजल्ट दिखाते हैं। चेक करके देखते हैं इसे, अभी देखें इसका मोमेंट किस तरह है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे। अब इसे चेंज करेंगे, ऊपर की ओर करते हैं। ऊपर की ओर करने के बाद देखिए, अब ये क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन चेंज।